Hey guys, are you in a demanding profession which requires a lot of sitting in front of the laptop? और क्या आप किचन में खड़े हैं, आपकी गर्दन में दर्द है, बैक में दर्द है, और यू नॉट वेकिंग अप फ्रेश? कुछ टिप्स हैं हमारे पास विच रियली कैन हेल्प यू आउट. जो भी आपने करना है ना, बॉडी के लिए खरीदना है, मैट्रेस से लेके पिलो तक, यू ऑलवेज हैव टू कंसीडर कि बैलेंस मेरा इस पे आएगा या नहीं आएगा. मैट्रेस शुड बी लिटिल स्ट्रॉन्ग, स्क्वीजी नहीं होना चाहिए. नहीं, जैसे वी गो टू द होटल्स एंड ऑल, वहां पे बहुत स्क्वीजी मैट्रेस होते हैं, वो नहीं होना चाहिए. नहीं, वैसे आपने देखा होगा पुराने जमाने में लोग पेड़ों के नीचे सो जाते थे, कभी किसी को बैक नहीं, जमीन पे सो जाते थे, किसी को बैक पे नहीं, बिकॉज पॉस्चर सही रहता. तो ये हम सेम पोजिशन में नहीं सो सकते, वी हैव टू डन राइट. अगर मैं आपको इसमें भी पोजिशन बता दूं ना कि आप नीचे रोल रख लीजिए, ये कंफर्टेबल हो जाएगा ये फॉर अ वाइल. रात को आप घूमेंगे, अभी आप लेटे हैं, कहीं ना कहीं दिस पिलो इज नॉट फॉर यू. आप देखते हैं आपकी नेक यहाँ से हैंग कर रही है, सारा कंप्रेशन इधर आ रहा है गर्दन पे. आवर नेक शुड नॉट बी हैंगिंग, मतलब ड्रॉप नहीं करना चाहिए. ये नहीं कि आपने पिलो लिया और स्क्वीज इन हो गया पूरा, प्रेशर आ रहा है. वी नीड समथिंग जो नेक को अलाइन बॉडी के साथ रख पाए. कंप्रेशन बढ़ रहा है, टॉवल फोल्ड करिए, पुट इट अंडरनीथ द पिलो, उस पर पिलो रखिए एंड लाइट. मतलब ना नेक ज्यादा ऊपर होना चाहिए, ना नेक ज्यादा नीचे होना चाहिए, शुड बी अलाइन्ड. दिस इज द वे. आपकी नेक की वेट मैम की नेक की वेट अलग है, मेरी नेक की वेट अलग है. जो मार्केट में पिलोज आ रहे हैं, दैट इज ऑल सेम. आपने ये सर्वाइकल पिलोज आते हैं, ऑल आर ऑफ द सेम हाइट, ऑल आर ऑफ द सेम. तो वो दैट इज नॉट राइट. आप किसी का शोल्डर बड़ा है, किसी का छोटा है. सो वी नीड समथिंग जो आपके अकॉर्डिंग फिट है. आप रेगुलर पिलो लीजिए, थोड़ा नीचे है फोल्डर टॉवल, उसके नीचे डालिए थोड़ा सा उसको ऊंचा करें. सो आई यूजली ट्राई एंड सेट एज अपराइट एज पॉसिबल, बट ऑब्वियसली देन इफ दैट गेट्स लिटिल स्ट्रेनुअस देन आई सिट लाइक दिस एंड देन गोस लाइक दिस एंड देन कीप ऑन रनिंग देन आई कीप मूविंग ऑन राइट. सो लाइक व्हाट आई वाज सेइंग, यू कैन सी इन द पॉड पोस्चर आल्सो, आवर स्पाइन इज लिटिल कर्व इन द लोअर सेक्शन. नथिंग इज रेक्टैंगुलर और स्क्वायर और गोइंग टू सपोर्ट दैट. So something circular, cylindrical is the only thing which can support your lower back. Yeah. If you keep it here at the lower part and you try to squeeze your hips back, you squeeze your hips back, and now you try to sit straight. This is the only thing which can support your back. Otherwise, you keep something rectangular or square, na, there is always some space which always stays. Right. So we need something cylindrical or round stuff which can actually support your back and your core muscles, and you can sit up there. This is actually like you're feeling the difference, right? On the spot. Usually ये misconception है कि हमने hamstring का लगा दिया पीछे या किसी चीज़ का लगा दिया, हमारी back support होगी, पर नहीं, बीच में space होगा. नहीं, जब भी मेरा back pain होता है ना, तभी मैं क्या करता हूँ, एक तकिया लगा देता हूँ. उस time लगाते हैं, तो उससे थोड़ा सा relief. हाँ. आप ये लगा दीजिए, आपको issue नहीं है. क्योंकि इसमें हम biomechanics के according चल रहे हैं. Body की biomechanics ही ऐसे formed है कि we have a curve. उस बायोमैकेनिक्स को सिर्फ कोई सिलेंड्रिकल चीज़ ही ब्रेक कर सकता है.